दोस्तों, अब तक सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम लोगों को ये चीजें बताई थी कौन से कोर्सेज के बारे में तुम सोचो जाने के पहले, कौन से कोर्सेज तुमने नहीं करने चाहिए अगर वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो। क्यों आप लोगों को जावा मैंने प्रेफर नहीं किया था, तो सभी कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि सर फिर करूँ कौन सा वेब डेवलपमेंट अगर मुझे डेवलपमेंट में जाना है। तो आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सोच रहे कि आईटी में करियर शुरू करना है और कुछ कोडिंग में जाना है, जहाँ पे मुझे अच्छे पैकेजेस मिले, अच्छा करियर मिले और बड़े से बड़ी आईटी कंपनीज भी मुझे हायर करें। तो वो कोर्स का नाम मैं बोल रहा हूँ जिसका नाम है रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट। अब इसे होता है, इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। अब इसका मार्केट इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है पूरे इंडिया के अंदर, इसको बड़ी से बड़ी कंपनीज इसे इसकी सर्विसेज यूज कर रही है। अब कौन सी कंपनीज आप बोलोगे, सबसे पहले आती है फेसबुक, इट्स यूजिंग रिएक्ट जेएस सर्विसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, इवन एटलेशियन। अब एटलेशियन कौन सी कंपनी है, जिनको पता है जीरा का सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं उनको पता है कि डेवलपमेंट वालों को कि एटलेशियन क्या रहता है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रिएक्ट की सर्विसेज यूज कर रही है बिकॉज इट इज समथिंग हाई परफॉर्मेंस, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स रिएक्ट से बनती है और जहां जहां भी वेब डेवलपमेंट आता है वहां पे रिएक्ट इज समथिंग प्लेइंग अ मेजर रोल राइट नाउ इन अ स्टार्टअप और मिड कैप स्केल कंपनी के अंदर भी। इवन अगर जिनको 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आज भी टीसीएस और इंफोसिस में हायरिंग शुरू है ये रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट के लिए। ये कोर्स का रोड मैप होता कैसे है, ये कोर्स का रोड मैप ऐसा होता है कि अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है तो उसके पहले सबसे पहले आपको स्ट्रांग करना होगा आपका वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा सिलेबस, जो कि होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजैक्स और जेक्वेरी भी अगर आप कर लेते हैं तो ये काफी अच्छा होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तभी आप रिएक्ट के तरफ जा सकते हो। इसमें रिएक्ट के अंदर काफी मार्केट है और ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होगा, अगर नहीं ऐसा नहीं होने वाला, रिएक्ट इज समथिंग इज अ फ्यूचर। बिकॉज बता दो आप रीजन क्या है, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट समझ लो आईटी इंडस्ट्री के लिए एक डोर के तौर पे काम करेगा, एक डोर, दरवाजा ओपन करने के लिए। बिकॉज इसके बाद में आपके अलग अलग ऑप्शंस शुरू हो जाते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लिया तो आप वेब डिजाइनर या फिर बेसिक वेब डेवलपर की डेजिग्नेशन के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सी कंपनी हायर करती है, बानेर, हिंजेवाड़ी, विमाननगर के अंदर ओपनिंग्स रहती ही रहती है बिकॉज स्टार्टअप कंपनीज मोस्टली जावास्क्रिप्ट पे ही वेबसाइट्स बनाती है। दूसरी बात, अगर आप जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आप रिएक्ट की तरफ जा सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, आप बैकएंड में नोड जेएस की तरफ जा सकते हो। अगर आप दोनों भी सीख लेते हो मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, तो आप मन स्टैक की तरफ जा सकते हो, जो फुल स्टैक कहते हैं। अदरवाइज अगर आपका जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से आ जाता है तो आप टाइपस्क्रिप्ट सीखने के बाद में आप एंगुलर की तरफ चले जा सकते हो। तो यार ऑप्शंस काफी सारे हैं, आप डिसाइड तुम्हें करना है कि करूं या ना करूं। बट कोई भी कोर्स सिलेक्ट करने से पहले खुद रिसर्च करो, खुद देखो मार्केट है क्या, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रही है क्या, तभी जाके अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करना। किसी के बोलने पे या फिर मेरे बोलने पे कोई डिसीजन लेना मत, ठीक है? आपकी तरफ से सोचो, समझो एंड देन टेक योर डिसीजन। और अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, पुणे के अंदर हो आप, यू कैन विजिट माई ऑफिस, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो यू कैन कम ओवर देयर एंड वी कैन मीट 1-to-1, 2 PM to 6 PM। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।